कोलकाता डाक्टरी छात्री दुष्कर्म और हत्या मामला रे केबे मिलिबो न्याय। पश्चिमबंगर ममता बनर्जी सरकार विरोध रे दिनक दिन तेजुछ असंतोष, जोर धरुछि आंदोलन एवं विक्षोभ। आज ममता बनर्जी को इस्तफा दाबी रे पश्चिमबंग छात्र समाज देछि महाविक्षोभ डाकरा। नवान अभियान नारे राली डाकरा दिया जाइछि, जेउथिरे 30,000 छात्र छात्री सामिल हेबे। ममता को इस्तफा दाबी सहित घटना रे संप्रक्त अभियुक्त को तुरंत गिरफ दाबी रे मुख्यमंत्री ऑफिस नवान्न घेरिबे आंदोलनकारी। आंदोलनकारी को रोकिबा को कोलकाता को संजोग करथबा सबु प्रवेश पथ को गत काली ठारु सील करा जायछि। कोलकाता एवं हावडार 70 स्थान रे बैरिकेड सहित 4,500 पुलिस फोर्स मुतयन होइछन्ते। लीगल इलीगल बोलने का अधिकार पुलिस को क्या है? लोकतांत्रिक देश में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है। तो कोई गड़बड़ होगा, कोई कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा, तो पुलिस अपना व्यवस्था लेगा, नहीं तो प्रोटेस्ट होगी कोई भी कर सकता है। कुणाल घोष क्या बोलते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जो घटना हुई जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को काठगड़े में पहुँचाना, कानून के हवाले करना, वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं, एविडेंस खत्म कर देंगे, जो ऑफिसर है जो इसके पीछे संभाव्य है उनको बचाने का प्रयास करेंगे, नेचुरली लोगों का गुस्सा बढ़ेगा और लोग रास्ते में उतरेंगे और आगे भी चलेगा। एक खबर संपर्क में अधिक अपडेट पाई कोलकाता हम प्रतिनिधि सतरूपा सामंतराय अच्छा। सतरूपा आप ग्राउंड वर्तमान किभली भाव से परिवेश रही आंदोलन केतटा सुधा आरंभ होवार कार्यक्रम रही है एवं सबु प्रवेश पथ को पुलिस पूर्व सिल कर देछि? निहाते भावरे कमलाकांत देखंतु दीदींको गळ भुसुडी पाडे पारे, दीदींको राज जो चालीछि ताहा भुसुडी पाडे, काहेकिना आजि एक विशाल राली कॉलेज स्क्वेयर ठारु आरंभ करी जो रहीछि नवान्न घेराव अभियान रे बाहरिबो। नवान्न घेराव अर्थात होउछि सेक्रेटेरिएट सहित दीदींकर जो ऑफिस रही कलकत्ता मुख्यमंत्री जो ऑफिस रही से ऑफिस को घेराव करा एवं सबुठारु बड़ कथा हैला ए जो डाकरा दिया जाइछि ए डाकरा टिकु सर्वसाधारण रे करा जाइछि। एथरे पॉलिटिकल पार्टी मध्य जोग दे पारिबे, नॉन पॉलिटिकल पार्टी मध्य जोग दे पारिबे, साधारण लोके जोग दे पारिबे, छात्र छात्री जोग दे पारिबे, राज्य तथा राज्य बाहर लोक मध्य जदि केही आसीबा पई चाहूचंती समस्तंकु स्वागत करा जाइछि। सोशल मीडिया रे दीर्घ दिन धरि केही कैंपेन चलीथिला नवान्न घेराव, आउ आजि जो रहिछि दिन 12:30 अपराह्न 12:30 समय रे आजि नवान्न घेराव अभियान करा जिवो, जहां अनुमान करा जाउछि जे 20,000-25,000 लोक हेबे, एहा सहित ए संख्या बढ़ी मध्य पारे बोली सूचना मिलिछि। किंतु जेतेबे रैली टी प्रकृत रे आरंभ हेबो देखिया को सेही समय रे जणा पड़िबो केते लोक आसुचंती। किंतु बड़ कथा हैला विभिन्न जगा गुड़िक जो रही विक्टोरिया विक्टोरियल मेमोरियल ठारु आरंभ करके कॉलेज स्क्वेयर या सहित धरमताला नवान्न ऑफिस जीवापी जो रास्ता गुड़िक संजोगीकरण करा जाएगी सबु रास्ता गुड़िक रे पुलिस बैरिकेड करी एवं पुलिस बैरिकेड करी वर्तमान जो रही प्रस्तुत रही एक बड़ धरणर विशाल राली बाहर। आम समस्त जाचु कलिकता दुष्कर्म जो घटना एवं तापरे जो निर्मम भाव हत्या करा जीवा डाक्टरी छात्री को ए घटना को सारा देश समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत काली खूब जोर भर्सना करी दंड करी छड़ा जीवो ना प्रत्यक्ष रे हो बा परोक्ष रे हो जेकोनोसी भी व्यक्ति जदि ए जो कांड नारकीय कांड घटाई जघन्य कांड घटाई समस्त पापर पेड़ी खोल समस्त यार जो रही दंड दंड दिजिव। किंतु वर्तमान सुधा देखंतु कमलाकांत जणे मात्र जो दुष्कर्मकारी जणंकु मात्र धरिछि सीबीआई वर्तमान जणकु मात्र धरि पारिछि, अन्य काहाकु वर्तमान सुधा मध्य टेर पाई पारु नाही। जितेबेले घटना घटिथिला घटना घटिबा दुई दिन परे जेभली भाबरे कलिकता पुलिस बा जो जो कमिशनरेट पुलिस पुलिस विभाग जहाकि दीदींको अधीनरे अछि, स्वास्थ्य विभाग जहाकि दीदींको अधीनरे अछि अर्थात मुख्यमंत्रीको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अधीन अच्छी से ही अधीन से ही विभाग रे एते बड़ बड़ कांड हो जाऊँ किंतु जना पड़ू ना जिते स्वास्थ्य विभाग जिते हॉस्पिटल घटना घटला जार दुई दिन भितरे पुलिस आसिकी जो शांतिपूर्ण भाव में जो डाक्तर मैंने विक्षोभ करुले जगह को भंगारुजा करदे
ବିଭିନ୍ନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡିକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଖିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ଲାଠିଚାଳନା କରିଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଥିରେ ପୋଲିସ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହାକି ମମତା ଦିଦିଙ୍କର ଯୋଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଏସବୁ ଯୋଉ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ କାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଏ ସାମିଲ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ କିଏ ସାମିଲ ରହିଛି, କେମିତି ସାମିଲ ରହିଛି, ତାହା ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଖବରକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିଠି ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବେ କଲେଜର ଯିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିଥିଲେ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ତାଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ ଘଟଣାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯିଏ ଏକ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିଥିଲେ ସେ ଆର୍ଜିକର କଲେଜର, ସେ ସେଠୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜ, ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉଛି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ହୋଇସାରିଛି, ବାକିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦାରେ ପଡିବ ଏ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କଣ ପାୱାର ରହିଛି, କାହା ବଳରେ ଏମିତି ବଳିଆନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଟେମ୍ପରାରୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟ ଥିଲେ କୋଲକାତାରୁ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମମତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାବିକ୍ଷୋଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।